पहले मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आज इस जनसरोकार मंच के काव्य पाठ एवं संवाद कार्यक्रम से मेरे साथ जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जनसरोकार मंच के सभी विभुद्ध जनों का, साथ ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के देवेंद्र कुमार जी जोशी कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मुझे इस मंच पे लाने के लिए सहयोग प्रदान किया, और आदरणीय हंस राजजी भाई साहब जो कि काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं और कई बार लाइव हंस राजजी तंवर साहब का जनसरोकार मंच पे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उन्होंने लेख लिखे हैं या कविताएं लिखी हैं उनका वो प्रसारण करते रहते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पूर्व परमपिता परमात्मा मातृशक्ति और मेरे भारत देश के नाम चार पंक्तियां में वंदन रूप में बोलना चाहता हूं। प्रथम वंदन मेरा माँ भारती के भाल को है, प्रथम वंदन माँ मेरा भारती के भाल को है, द्वितीय वंदन मेरा चनन निज मात को, तृतीय वंदन करता गुरु गुण गुनी ज्ञानियों को, चौथा वंदन परम पिता परे मात को। ये चार पंक्तियां मैंने मातृशक्ति और परमपिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और अब मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ अपने परिचय से करता हूँ। परिचय में आपको काव्य रूप में ही अपना परिचय कराना चाहूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। नाम संदीप मेरा माता लक्ष्मी जी का जाया हूँ, पिता मूलचंद जी की आँख का तारा हूँ, सात बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ जी, इसीलिए सबका मुझे मिला बहुत प्यार है। ककोर जन्मभूमि मेरी कर्म भूमि यही है जी, इसे करता मैं शत शत बार प्रणाम हूँ। दसवीं तक पढ़ाई ककोर रामावि में की है मैंने, सीनियर सेकेंडरी मेरी कोठी ना तमाम है, बीए बाद एमए शिक्षा कॉलेज टोंक में भी विराम मेरा, बीएसटीसी की उपाधि डायरेक्ट टोंक से ही पाई है। गुरु माता पिता और इष्टजन मित्र मेरे व्यक्त करता इनको मैं बार बार आभार हूँ। शिक्षक बनने शिक्षा के दीप को जलाता रहूँ यही संदीप की परम पिता से अरदास है। 100 प्रेरणा से गीत छंद कविताएं लिखी मैंने, बस लिखता ही रहूँ दिन रात तहरीर में। तो ये मेरा छोटा सा सामान्य सा परिचय मैंने काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सभी जो इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब मेरी जो कविता की और उस काव्य रचना की जो प्रेरणा मेरी बनी, सबसे पहले मैंने अपनी जो प्रथम काव्य रचना प्रारंभ की थी सन 2000 से, और आज ही का वो दिन था 14 अगस्त 2000 को मैंने सबसे पहले अपनी प्रथम काव्य रचना की थी, और वहीं से मैं निरंतर अपनी काव्य रचनाएं करता हुआ आ रहा हूँ। आज मैं सर्वप्रथम अपनी पहली जो कविता है उसको
आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि मेरी जन्मदात्री माँ को समर्पित है, मातृ शक्ति को समर्पित ये मेरी कविता, जिसको मैंने शीर्षक दिया है माँ तेरा नाम। माँ तेरा नाम जब कभी आता है मेरी जुबा पर, एहसास कराता है मुझे तेरा बेटा होने का, एहसास कराता है मेरे कारण उठाए गए कष्टों का। ममता भरा आंचल जिसकी छाँव में कभी देखी नहीं तपन, ममता भरा आंचल जिसकी छाँव में कभी देखी नहीं तपन, बस एक सुखद अनुभव मिलता रहा है मुझे हर पल। तेरे हाथों का वह दर्द निवारक स्पर्श, तेरे हाथों का वह दर्द निवारक स्पर्श याद आता है मुझे जब कभी, मेरे अंतर मन को हिलाकर रख देता है, याद दिलाता रहता है तेरे उपकार के प्रति अपना जीवन निछावर करने की, अपने कर्तव्य को निभाने की। मगर तेरे एहसासों का कोई मूल्य नहीं, तेरे हृदय प्रेम एवं संतान के प्रति स्नेह की कोई कीमत कहाँ चुका पाया है आज तक। बस एहसास होता है जब कभी जुबा पर आता है माँ तेरा नाम, माँ तेरा नाम, माँ तेरा नाम। मेरी अगली काव्य रचनाओं में मैंने 30 सितंबर 2004 को एक गीत लिखा था, और इस गीत को मैंने उमरदा उदयपुर केआरपी का जो प्रशिक्षण SIQ कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया गया था, वहाँ पे एक छोटा सा कवि सम्मेलन शिक्षक गणों का ही आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम मैंने इस कविता को वहाँ प्रस्तुत किया था और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा था। तो एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। इस गीत में 3 चरण हैं और इन 3 चरणों में मैंने अलग अलग समस्याओं को देख करके ये इस गीत की रचना की है। सबसे पहले की जो 3 पंक्तियां हैं, मैंने उन पिछड़े भूखे नंगे भारतीयों को समर्पित की है जो आज कहीं भी हमें किसी भी मोड़ पे चौराहे पे घूमते हुए मिल जाते हैं, फुटपाथ पे जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको मैंने ये समर्पित की है। तो प्रस्तुत ये गीत उन भूखे और पिछड़े लोगों के लिए, और अगली जो 3 पंक्तियां हैं वो समर्पित की है मैंने जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जुल्म सहते हैं और वो किस कदर इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए। और अंतिम की जो 3 पंक्तियां हैं वो समर्पित की है मैंने अपने भारत देश को, जिसकी एकता और अखंडता सदियों से पूरी दुनिया गाती आई है। तो प्रारंभ करता हूँ मैं अपना ये गीत। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को, बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को। मान मैं चोर हूँ लेकिन चुराता फूल हूँ लेकिन, मान मैं चोर हूँ लेकिन चुराता फूल हूँ लेकिन, इन्हीं फूलों परागों से नया गुलशन सजाने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। और जो अगली 3 पंक्तियां थी जिनके बारे में मैं भी बता रहा था कि उन भूखे और पिछड़े लोगों को समर्पित हैं, उनका दर्द मैंने इन 3 पंक्तियों में बयां करने का प्रयास किया है। जो रोते हैं बिलखते हैं सिसकते हैं झिझकते हैं, जो रोते हैं बिलखते हैं
सिसकते हैं, झिझकते हैं, किसी कोने में बैठे आंसुओं को रोज पीते हैं, किसी कोने में बैठे आंसुओं को रोज पीते हैं, उन्हीं भूखे उन्हीं पिछड़ों से अपना दिल मिलाने को, उन्हीं भूखे उन्हीं पिछड़ों से अपना दिल मिलाने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, बड़ा है जुल्म धरती पर आज इंसान दुखी यारों, बड़ा है जुल्म धरती पर आज इंसान दुखी यारों, कहीं सुख चैन खोया है कहीं अमनो सकूं यारों, कहीं सुख चैन खोया है कहीं अमनो सकूं यारों, बुझे दिल में फिर से कोई ज्योति जगमगाने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। और अंतिम जो तीन पंक्तियां मैंने दी हैं वो मेरे भारत देश को समर्पित है। मेरे भारत देश की एकता अखंडता यहाँ के निवासियों में दिखाई देती है। सदियों से एक नारा चला हुआ आया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उन्हीं को लेकर के ये अगली तीन पंक्तियां हैं कि क्या हिंदू है मुसलमान है, क्या सिख है ईसाई है, क्या हिंदू है मुसलमान है, क्या सिख है ईसाई है, हुए पैदा जो धरती पर हर इंसान भाई भाई है, हुए पैदा जो धरती पर हर इंसान भाई भाई है, भाईचारे का ये अमृत भर भर जाम पिलाने को, भाईचारे का ये अमृत भर भर जाम पिलाने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को, बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। आपको मेरा ये गीत पसंद आया होगा और इसी काव्य संवाद की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ रचनाएं टोंक डाइट से प्रकाशित प्रसून प्रेरणा प्रसून वार्षिक पत्रिका संपादित की जाती रही है, जिसमें आदरणीय भंवर लाल जी कुमावत जो उसका संपादन करते थे और अभी वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी के प्राचार्य पद पर स्थित हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मैंने अपनी कविताएं प्रेरणा प्रसून को प्रेषित की और लगभग मेरी 5 से 7 कविताएं प्रेरणा प्रसून में प्रति वर्ष प्रकाशित होती रही हैं। और आज ये जो जनसरोकार मंच ने मुझे सुअवसर प्रदान किया है, मुझ नाचीज को आगे बढ़ने का एक जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं पुनः जनसरोकार मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जोड़ना चाहता हूँ मैं अपनी नई अगली कविता से आपको, इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है वो और कोई नहीं। इस शीर्षक की से मैंने इस कविता को प्रारंभ किया है और इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है वो इस कविता का
उत्तर है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। सर्दी की हर सुबह मैं देखता हूँ उसे अपनी छत से। सर्दी की हर सुबह मैं देखता हूँ उसे अपनी छत से। दस्तक देती है वो हर सुबह धीरे धीरे चुपके चुपके। सर्दी की हर सुबह मैं देखता हूँ उसे अपनी छत से। दस्तक देती है वो हर सुबह धीरे धीरे चुपके चुपके। सुनहरे केसों को बिखेर चारों दिशाओं में, चमकती दमकती अरुण रंग में रंग आती है वो मेरी छत पर चोरी चोरी होले होले। उसे पाकर एक अजीब सी तपन एवं खुशी मिलती है। उसे पाकर एक अजीब सी तपन एवं खुशी मिलती है मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे जीवन को। उसका आना ही मेरे जीवन को देता है, उसका आना ही मेरे जीवन को देता है एक नया आयाम, नया प्रभात। कब कैसे समा जाती है वो मुझ में, कब कैसे समा जाती है वो मुझ में पता तक नहीं चलता। बस देखता रहता हूँ उसके आने को। मिलता है आनंद, मिलता है आनंद उल्लास एवं सुकून उसके आलिंगन से उस भोर में। मिलती है हर सुबह चोरी चोरी चुपके चुपके। सर्दी की हर सुबह नाम आता है उसका मेरी जुबा पर। सर्दी की हर सुबह नाम आता है उसका मेरी जुबा पर। वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो है सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण। इस कविता को मैंने 13 नवंबर 2002 में सर्दी के समय में जब मैं छत पर धूप सेक रहा था तभी मन में विचार आया कि सूर्य की इन किरणों पे भी कुछ लिखा जाए, जिससे कि सर्दी में हमें बड़ा जो सर्दी होती है उससे राहत प्रदान करती है। अगली कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारे देश की, भारत देश की उन सभी वीरांगनाओं को, नारी शक्ति को, जो हमारे घर परिवार में रहती हैं, हमारे देश में रहती हैं, उस नारी शक्ति को समर्पित मेरी ये अगली कविता है, जिसको नाम दिया है मैंने किरदार। हमारी देश की नारियां पारिवारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सभी तरह के किरदार निभाती है। प्राचीन काल में हम धर्म ग्रंथों को उठा करके देखें, उनका अध्ययन करें तो पाएंगे कि नारी शक्ति से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, यही इसकी सृजनता है। तो उनको समर्पित मेरी ये अगली कविता है जिसको नाम दिया है मैंने किरदार। इस धरती नारी तुम महान हो, इस धरती पर वरदान हो। शब्द कोश में नहीं है शब्द जिससे तुम्हें किया जा सके परिभाषित। तुम निभा जाती हो बखूबी हर किरदार, तुम निभा जाती हो बखूबी हर किरदार। तुम तो पानी हो हर सांचे में ढल जाती हो, तुम तो पानी हो हर सांचे में ढल जाती हो। माँ बनकर अपनी कोख से जन्म देती हो अपनी प्रतिछाया को, माँ बनकर अपनी कोख से जन्म देती हो अपनी प्रतिछाया को। तुम्हारी नन्ही छवि और पाँव में बंदी पायल की छमछम सुनाई देती है घर आंगन के कोने कोने में। कभी राखी बनकर चमकती दिखाई देती हो भाई की कलाई पर, कभी राखी बनकर चमकती दिखाई देती हो भाई की कलाई पर। तो कभी दिखाई देती हो पति पति की हथेली की लकीरों में। बन जाती हो अनजाने लोगों के घर की बहू, बन जाती हो अनजाने लोगों के घर की बहू। और जोड़े रखती हो दो घरों के मान सम्मान को अटूट बंधन में। भोर में चहकती चिड़िया की चहक, भोर में चहकती चिड़िया की चहक में तुम मिला देती हो अपना सुर। निकलते सूरज की किरणों का प्रथम वंदन भी तुम हो, डूबते सूरज की लालिमा का अंतिम अभिनंदन भी तुम हो। सरस्वती रूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, गंगा यमुना भी तुम हो। वीणा के तारों के
सात सुरों का सरगम भी तुम हो, कभी गणगौर बनकर सज धज जाती हो, कभी गणगौर बनकर सज धज जाती हो, तो कभी दीपावली के दीपक की ज्योति में नजर आती हो। व्रत उपवास तीज त्यौहार भी तुमसे ही जन्म लेते हैं। नारी तुम महान हो, इस धरती पर वरदान हो, अनगिनत किरदार हैं तुम्हारे, फिर भी निभा जाती हो बखूबी हर किरदार, बखूबी हर किरदार। हमने नारी को नाम दिया है, कई पर्यायवाची होते हैं उसके, लेकिन एक जो नाम दिया गया है अबला। जबकि नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं होती, लेकिन उसे हमने अबला बना दिया है। तो शायद कहीं ना कहीं हमें महसूस होना चाहिए कि ये अबला शब्द नारी सम्मान के लिए उनको ठेस पहुंचाने वाला सा प्रतीत होता है। आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर भी मैंने दो चार रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से मेरी एक चुनिंदा रचना है, हमारे देश की जो समस्या है सबसे बड़ी, भ्रष्टाचार। आज कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, हर क्षेत्र में हमें भ्रष्टाचार नज़र आता है। उसी भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने एक रचना लिखी है, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये रचना लिखी थी मैंने 15 अगस्त 2014 को। और इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है, भ्रष्टाचार खा गया। सोने की चिड़िया का सोना, वो अमन चैन अब कहाँ गया? सोने की चिड़िया का सोना, वो अमन चैन अब कहाँ गया? आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया, आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। रिश्वतखोरी काली बाजारी, रिश्वतखोरी काला बाजारी, मिलावटी सामान है, जहाँ भी देखो जिधर भी जाओ भ्रष्टाचार महान है। रिश्वतखोरी काला बाजारी, मिलावटी सामान है, जहाँ भी देखो जिधर भी जाओ भ्रष्टाचार महान है। भारत माँ की धर्मभूमि पर पापाचार छा गया, भारत माँ की धर्मभूमि पर पापाचार छा गया, आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। बेरोजगार हो युवा फिरते, बेरोजगार हो युवा फिरते, सियासी गलियारों में दर दर की वो ठोकरे खाते, सरकारी हलकारों में पढ़े लिखों की जिंदगी पर मकड़ जाल छा गया, आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। गरीबों की रोटी छिन गई, गरीबों की रोटी छिन गई, भूखे बच्चे रोते हैं, महिलाओं की इज्जत लुट गई, रोज तमाशे होते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की, कि आज समाचार पत्रों में या हमारे इर्द गिर्द टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे हमें रोज़ न कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है, जिसमें नन्ही नन्ही बच्चियों से कोशिश लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक की भी इज्जत आज इस दरिंदे युग में सलामत नहीं है। तो उसी को ध्यान में रख कर के मैंने ये पंक्तियाँ लिखी। गरीबों की रोटी छिन गई, भूखे बच्चे रोते हैं, महिलाओं की इज्जत लुट गई, रोज तमाशे होते हैं। लगी कांपने मानव जाति, अत्याचार आ गया, लगी जाति, लगी कांपने मानव जाति, अत्याचार आ गया, आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। नेताओं की नीत बदल गई, बड़े बड़े वादे हमारे देश के नेता चुनावी समय में करते हैं, लेकिन अंत में इस भोली भाली जनता को मिलता क्या है? उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चार पंक्तियां लिखी हैं, कि नेताओं की नीयत बदल गई, कथनी करने में फर्क बड़ा, देश का पैसा विदेशी बैंक में भर रहे हैं अपना घड़ा। नेताओं की नीयत बदल गई,
कथनी करने में फर्क बड़ा। देश का पैसा विदेशी बैंक में भर रहे हैं अपना घड़ा। बापू के सपनों का भारत सपना बनकर रह गया। आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। आज मेरे देश को भ्रष्टाचार खा गया। जो सच्चाई थी हमारे देश के भ्रष्टाचार की, उसको मैंने अपनी कविताओं के छंद के माध्यम से यहाँ रखने का प्रयास किया। शायद आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पुनः मैं एक बार आज इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सतीश जी, मनोज जी हैं, हनहरी सिंह भैया, नरेश जी, सभी जो इस मंच से जुड़े हैं, उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए, मेरे हौसले को बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम से वो जुड़े। अगली जो मेरी अपनी रचना है वो उन युवाओं के लिए है कि आज हम देखते हैं कि बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के किसी का कोई काम नहीं होता। सैकड़ों चक्कर काटने के बाद भी सरकारी कार्यालय से वो खाली हाथ लौटते हैं, निराश लौटते हैं, क्योंकि उनके पास या तो सिफारिश नहीं है या फिर देने के लिए रिश्वत नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने ये कविता लिखी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है चवन्नी चलती है। गांव सवर हर कूचे में उनकी चर्चा चलती है। गांव शहर और हर कूचे में उनकी चर्चा चलती है। उनसे मिलिए जनाब, क्योंकि उनकी चवन्नी चलती है। कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन या हो फिर अस्पताल, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन या हो फिर अस्पताल, जाओ कहीं भी इस शहर में उनका ही है बोलबाल। चपरासी बाबू अफसर के पास कोई अर्जी नहीं टलती है। उनसे मिलिए जनाब, क्योंकि उनकी चवन्नी चलती है। लगनी हो कोई नौकरी या कराना हो ट्रांसफ़र, तुरंत जाकर मिलिए उनसे, बिल्कुल भी मत डर। लगनी हो कोई नौकरी या कराना हो ट्रांसफ़र, तुरंत जाकर मिलिए उनसे, बिल्कुल भी मत डर। निजी सरकारी हर महकमे में उनकी दाल गलती है। उनसे मिलिए जनाब, क्योंकि उनकी चवन्नी चलती है। जिला परिषद से संसद तक उनका ही डंका बजता है। चलती है तो राहें चलती, रुकते हैं तो रास्ता रुकता है। समझ लो जैसे ये दुनिया उनके ही इशारे चलती है। उनसे मिलिए जनाब, क्योंकि उनकी चवन्नी चलती है। फीस उनकी ज़्यादा नहीं है, बस 50-50 करते हैं। छोटा बड़ा कोई काम हो बस चुटकी में करते हैं। फीस उनकी ज़्यादा नहीं है बस 50-50 करते हैं। छोटा बड़ा कोई काम हो बस चुटकी में करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही ये भोली जनता पलती है। उनसे मिलिए जनाब, क्योंकि उनकी चवन्नी चलती है। अब एक बेचारा इसी तरह से अपना काम करवाने गया हुआ था, किसी ने बताया कि उनसे जा कर के मिलिए, तो उसका धैर्य टूट चुका था। तो अंत में एक प्रश्न करता है, बहुत देर हुई अब तक मेरी समस्या सुलझा दो। कहाँ मिलेंगे साहब वो, जल्दी पता बतला दो। अटक रही हैं सांसें मेरी, चलाए नहीं चलती हैं। कहाँ रहते हैं साहब वो जिनकी चवन्नी चलती है। तो उसका पता बताया गया, इस गली के पहले चौराहे से दाएं मुड़ सीधे जाना, 100 कदम तक सीधे चलकर दूजे चौराहे रुक जाना। इस गली के पहले चौराहे से दाएं मुड़ सीधे जाना, 100 कदम तक सीधे चलकर दूजे चौराहे रुक जाना। वहीं दिखेगी एक हवेली,
जिसमें दिन में लाइट जलती है, बस वहीं पे रहते हैं साहब जिनकी चवन्नी चलती है, बस वहीं पे रहते हैं साहब जिनकी चवन्नी चलती है, बस वहीं पे रहते हैं साहब जिनकी चवन्नी चलती है। काव्य साहित्य हमारे समाज का दर्पण होते हैं, जिसमें समाज में इर्द गिर्द जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी घटित होता है, एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि उन घटित घटनाओं को गद्य या पद्य में पिरो करके समाज के सामने रखता है, जिससे नई जागृति, एक नया उन्माद हमारे देश की जनता में पैदा होता है। और कविताओं का, गीतों का, छंदों का हिंदी भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि जो छोटा बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है, जिसको अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान लिखने का नहीं होता, क्योंकि बोलना तो वो जानता है, बोलने की शक्ति तो हमें जन्मदात्री माँ के कोख से जन्म लेते ही ईश्वर ने इस तरह से वरदान स्वरूप हमें दी है कि बोलना तो वो जानता है लेकिन उन शब्दों को वो लिखना नहीं जानता। और विद्यालय में जैसे वो जाता है तो उसको जैसे ही वहाँ नया माहौल दिखता है तो उसके जी को बहलाने के लिए बाल गीत, कविताएँ, गतिविधियाँ इस तरह की आयोजित होती हैं कि धीरे धीरे उस मानक भाषा से वो जुड़ना प्रारंभ कर देता है। और कविताएँ, गीत, छंद, ये वो चीज़ें हैं जो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए और उस मानक भाषा को एक मूर्त रूप देने के लिए बहुत ही उसका सहयोग प्रदान करती है। तो उन्हीं छोटे बच्चों के लिए एक बाल कविता मैंने लिखी है, जिसको नाम दिया है मैंने पानी पानी, क्योंकि बच्चा पानी को बहुत आसानी से पहचानता है, जानता है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बाल कविता उन बच्चों के लिए। घर में पानी, बाहर पानी, घर में पानी, बाहर पानी, बादल बरसे पानी पानी, घर में पानी, बाहर पानी, बादल बरसे पानी पानी, नदी नाले तालाब में पानी, पोखर झील झरनों में पानी, नदी नाले तालाब में पानी, पोखर झील झरनों में पानी, नीचे पानी, ऊपर पानी, कुएं बावड़ी समंदर पानी, मटकी भर भर लाते पानी, बाल्टी भर भर नहाते पानी, चाय दूध शरबत में पानी, पीते पानी, खाते पानी, बर्फी पेड़ा मावा मिश्री, बर्फी पेड़ा मावा मिश्री, देख मुँह में आ जाता पानी, बादल पानी, घर में पानी, बाहर पानी, बादल बरसे पानी पानी। तो ये एक छोटी सी कविता मैंने उन छोटे मुन्ने नन्हे बच्चों के लिए लिखी थी। और जैसा कि हमारा समय हमें दिया गया था 5 से 5:30 बजे तक का, वो समय शायद नज़दीक है। अंत में मैं एक छोटी सी कविता से इस लाइव टाइप कार्यक्रम का समापन करूंगा। सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी जो कविताएं, जो रचनाएं मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की, आप मुझे बाद में कमेंट्स के रूप में भेज सकते हैं मेरी फेसबुक आईडी पे, या व्हाट्सएप ग्रुप से जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी मुझे कमेंट्स के रूप में या सुझाव के रूप में, जो भी कुछ सुझाव मुझे अपनी इस काव्य पाठ योजना में करना है उसके लिए दे सकते हैं। अंत में मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से इस आज के इस कार्यक्रम का समापन करूंगा, जिसको मैंने शीर्षक दिया है माँ। माँ माँ ही होती है क्योंकि माँ का कोई पर्यायवाची नहीं होता। माँ माँ ही होती है क्योंकि माँ का कोई पर्यायवाची नहीं होता। माँ ज्ञान का प्रथम अध्याय है, माँ जीवन का प्रथम आदर्श वाक्य है। माँ ज्ञान का प्रथम अध्याय है, माँ जीवन का प्रथम आदर्श वाक्य है। माँ वो चश्मा है जिसमें सब एक समान दिखते हैं। परिवार में कितनी संतानें हों माँ के, लेकिन माँ के लिए सब बराबर होती हैं। वो सभी को बराबर स्थान से स्थान प्रदान करती है। माँ वो चश्मा है जिसमें सब एक समान दिखते हैं। माँ की उंगली से बड़ा कोई सहारा नहीं होता।
माँ से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता। माँ पानी है, माँ पानी है, माँ वाष्प है, माँ बर्फ है, तीनों रूपों में पाई जाती है माँ। कभी पानी बन जाती है, कभी वाष्प बन जाती है, और कभी बर्फ के समान कठोर भी हो जाती है। माँ पानी है, माँ वाष्प है, माँ बर्फ है, माँ खर्च होते हुए भी ब्याज सहित बढ़ने वाली पूंजी है। माँ खर्च होते हुए भी ब्याज सहित बढ़ने वाली पूंजी है, और माँ सूखी रोटी में, माँ सूखी रोटी में रखी हुई चटनी है, लूंजी है। माँ सूखी रोटी में रखी हुई चटनी है, लूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि पुनः कभी अगर जनसुराकार मंच से मुझे इस तरह का अवसर प्रदान हो, तो जिस तरह से आज आपने मेरे साथ जुड़ कर के मेरा जो हौसला बढ़ाया है, उसी तरह से पुनः कभी मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप उपस्थित रहेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।